तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने कुछ दिन पहले लघु बिहार उद्योग का मैंने एक नोटिफिकेशन डाला था। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से मैंने जानकारी दी था आप सभी को कि जो भी छोटे मोटे जो कार्य करना होगा, उद्योग खोलना होगा, तो उसके लिए बिहार सरकार ने दो लाख रुपया इंस्टॉलमेंट के माध्यम से देने के लिए प्रयास किया था। तो उन सभी के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला था, वो नोटिफिकेशन का अपडेट जो अब आ गया है, जिसमें सभी का ऑनलाइन स्टार्ट होना शुरू हो गया है, कि लघु उद्योग के लिए जो 2 लाख रुपया देने की जो बात किया गया था बिहार सरकार की तरफ से, वो ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। किस तरह से आपको ऑनलाइन करना है और कब तक इसका अंतिम तिथि है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला, उन सभी का मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको ऑनलाइन करना है। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाला हूँ कि ऑनलाइन कैसे करना है और किस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगने वाला है, उन सभी का मैं पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, मन में कहीं भी सवाल आया तो कमेंट करके एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार लघु उद्योग ऑनलाइन करने के लिए आपको इस वाले वेबसाइट पर आना होगा, udhami.bihar.gov.in। इस वाले वेबसाइट पर आइएगा, वैसे लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आइएगा, इस तरह से होम पेज ओपन होगा। यहाँ पर लिखा है फर्स्ट नंबर में बिहार लघु उद्योग उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिंक क्लिक करें, इस पर क्लिक कीजिएगा लिंक वाला पर, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको डिटेल्स क्या क्या आपको चाहिए, जैसे बिहार लघु उद्यम योजना के लिए ऑनलाइन के लिंक ये है। आवेदन फॉर्म जमा करने की तिथि है जो 5 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक है। उद्यमी योजना में आवेदन विस्तृत के लिए यहाँ पर आप क्लिक करके पूरा जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो लाभ प्राप्त करेंगे, भविष्य मुख्यमंत्री योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है प्राप्त जो पहले से कर चुके हैं। यहाँ पर लिखा उम्र सीमा 18 से 50 साल तक होना चाहिए। आवेदन करने हैं तो दस्तावेज क्या क्या चाहिए, यहाँ पर लिखा है आय का सत्यापन संबंधित दस्तावेज, जैसे मैट्रिक सर्टिफिकेट जिसपे नाम जन्मतिथि अंकित हो, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चाहिए। इसके लिए आयु के लिए यानी एज के लिए आधार कार्ड चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, मासिक पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र अंचल कार्य द्वारा आपको निर्गत होना चाहिए, ठीक ना। और जो इसका जो आय प्रमाण पत्र होगा ना, आपको मतलब 60,000 से मतलब अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक ना। इसके बाद लेकर बैंक स्टेटमेंट या चेक या तो पासबुक चाहिए जिसमें IFSC का कोड इसमें खाता संख्या अंकित हो। हस्ताक्षर चाहिए, हस्ताक्षर और फोटो, ठीक है, हस्ताक्षर फोटो मतलब चाहिए। और जो दिव्यांग है ना, तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट चाहिए। साथ में लिखा है आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना आवश्यक है। अपने आधार में दिए हुए विवरण पंजीकरण फॉर्म में भरना होगा, ठीक है। इसके बाद पंजीकरण पूरा करने के लिए आवेदन मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। आपको इतना सारा डॉक्यूमेंट चाहिए, चलिए आपको मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाऊंगा कैसे ऑनलाइन करना है। अब साथ में आपको यहाँ पर कैमरा के सामने आपको फोटो भी लगेगा, यानी कि आपको फोटो लगेगा, जैसे मान लीजिए जिस समय ऑनलाइन होगा ना, तो उस टाइम आपको एक फोटो ऑनलाइन लाइव फोटो देना होगा। तो चलिए ऑनलाइन करके आपको दिखाता हूँ। ऑनलाइन करने के लिए आपको यहाँ पर लिखा है आवेदन करने के लिए पंजीकृत प्रक्रिया पर पूरा पढ़ने के लिए, तो पंजीकृतकरण पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर ओपन हो जाएगा डिटेल्स यहाँ पर, ठीक है ना। तो डिटेल्स ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको नाम पहले लिखना है, चलिए आपको दिखाता हूँ क्या क्या यहाँ पहले है। यहाँ पर पहले आप नाम लिखेंगे, जैसे मेरा नाम रोशन कुमार पंडित, यहाँ पर रोशन, इसमें कुमार, इसमें पंडित, ठीक है ना। तो ये रोशन कुमार इसमें डालेंगे, इस तरह से लिंक यहाँ से सिलेक्ट कर लें जो भी आप होंगे, ठीक है ना। इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कीजिएगा, आधार नंबर एंटर कीजिएगा, यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे यहाँ पर जनरल के लिए है और BC1 के लिए, BC2 के लिए यहाँ पर ये वाला है, और अति पिछड़ा वर्ग BC1 के लिए, और अनुसूचित जाति SC के लिए, ये अनुसूचित ST के लिए है, ठीक है ना। तो अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर कृपया अपना जिला का नाम चुनाव करना, जो भी जिला से आप होंगे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं औरंगाबाद से हूँ, औरंगाबाद सिलेक्ट कर लिया हूँ, चलिए डिटेल फिल कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर OTP प्राप्त करें पर क्लिक करना होगा। तो जब आप डिटेल फिल कर लीजिएगा ना, तो यहाँ पर आपको दिखाएगा इस तरह से, जब यहाँ पर OTP प्राप्त करने वाला पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर दिखाएगा। कहने का मतलब कि अगर आपका मोबाइल नंबर सही है ये वाला, तो यहाँ पर ठीक है पर क्लिक कीजिएगा। अगर मोबाइल नंबर आपका अगर गलत है तो सुधार करने वाला से सुधार कर लीजिएगा। चलिए मेरा सही है, ठीक है वाला पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर OTP प्राप्त होगा हमें। OTP हमें इस तरह से प्राप्त होगा, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, OTP मुझे सेंड कर दिया गया है। तो चलिए मैं यहाँ पर OTP अपना फिलअप कर लेता हूँ। OTP इस तरह से फिलअप करेंगे, सत्यापन करने वाला पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए तो आपको मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन डिटेल भी भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ओके कीजिएगा यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर आपको आधार नंबर फिलअप करना होगा। इसके बाद OTP प्राप्त करें पर क्लिक करना होगा। याद रखें कि जो आधार नंबर फिलअप कीजिएगा ना, वो आधार नंबर में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो मैंने अपने यहाँ पर आधार नंबर डिटेल डाला है और OTP मुझे प्राप्त हो जाए, लॉगिन करने वाला पर क्लिक करूंगा। मैं इस तरह से लॉगिन हो जाऊंगा, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। पंजीकृत ID यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, नाम आपका देखने को मिलेगा इस तरह से, यहाँ पर पुरुष, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ ऊपर में सिलेक्ट कीजिए तो यहाँ पर एज आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर माता या पिता
या अभिभावक का नाम लिखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है कि माता पिता या पति का अभिभावक का नाम लिखेंगे, यानी कि अपने माता या पिता का नाम लिखिएगा। प्रोजेक्ट का नाम इसमें सिलेक्ट कीजिए, आप क्या करना चाहते हैं इसमें से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप पहले इसका लिस्ट देख लीजिएगा, पहले आप अपना ठान लीजिएगा मन में कि हाँ हमें क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट कर लिया, डायरेक्ट आपको सिलेक्ट करने में बेस्ट रहेगा। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हूँ इस तरह से, जो भी आपका सिलेक्ट करना, जो आपको काम करना होगा ना, उस प्रोजेक्ट का नाम यहाँ सिलेक्ट कीजिएगा। दिव्यांग हो तो यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं तो आप नो पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा आधार कार्ड पर जो एड्रेस होगा उसको यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या शहरी क्षेत्र से, अपने अनुसार यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे आता है यहाँ पर प्रखंड का नाम चुनाव करने के लिए, तो प्रखंड का नाम चुनाव कर लीजिएगा। पंचायत का नाम यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा, जो भी पंचायत आप होंगे, ठीक है ना, इस तरह से पंचायत का नाम। वार्ड संख्या यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी वार्ड संख्या होगा आपका। यहाँ पर आधार नंबर दिखाएगा, मोबाइल नंबर। जाति आप जो होंगे आप जाति सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे आप जो जाति होंगे ना, तो उस जाति को आप यहाँ से इस तरह से टाइप कर लीजिए। जैसे मैं प्रजापति, तो यहाँ पर प्रजापति टाइप कर लूँगा, ठीक है। इसके बाद पारिवारिक का मासिक आय कितना है, ठीक है ना, यानी महीना में कितना इनकम हो जाता है। मान लीजिए 60,000 का अगर इनकम बनता है तो एक महीना में 12×50 यानी कि 5,000 बनता है। तो इस तरह से अपना टाइप कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद नीचे आता है आपके आपके परिवार के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त हुआ है, तो इसमें से हाँ या ना अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर मिला हुआ तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कर लीजिएगा। तो इस तरह से डिटेल फिल कर लीजिएगा पूरा। मैंने डिटेल्स फिल कर लिया, जमा करे वाला पर क्लिक करूंगा। तो इस तरह से डाटा आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। डाटा जब सक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पर आपको बैंक डिटेल पूछा जाएगा सेकेंड वाला में। तो यहाँ पर बैंक का नाम पूछा जाएगा, यहाँ पर शाखा का नाम यानी कौन सा ब्रांच से है आपका अकाउंट, यहाँ पर आईएफएससी कोड डालिएगा, अकाउंट नंबर डालिएगा, यहाँ पर दोबारा से अकाउंट नंबर डाल के जमा करे पर क्लिक कर लीजिएगा। बैंक डिटेल डालने के बाद इस तरह से सफलतापूर्वक सक्सेसफुल हो जाएगा। इस तरह से सक्सेस हो जाने के बाद यहाँ पर आता है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन। डॉक्यूमेंट अपलोड आपको क्या क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर जब फोटो यहाँ पर जब लगाना था तो यहाँ पर लाइव फोटो लगाना था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाइव फोटो के लिए स्टार्ट कैमरा दिया है ऑप्शन, क्लिक फोटो पर यहाँ पर क्लिक करने का ऑप्शन दिया है। इसके बाद यहाँ पर आयु का सत्यापन दस्तावेज देना था, जैसे मैट्रिक, इंटर का मार्क्स, मैट्रिक का मार्कशीट, आधार कार्ड या पैन कार्ड, इस तरह से देना था। तो यहाँ पर अपलोड कीजिएगा, 200 KB के अंदर आपको PDF फाइल में होना चाहिए। आधार कार्ड यहाँ पर चाहिए 200 KB के अंदर चाहिए, ठीक है ना। आधार कार्ड दोनों तरफ वाला, जैसे बैक साइड फ्रंट साइड दोनों। इसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र देना है, यहाँ पर आय प्रमाण पत्र लगाना है आपको। इसके बाद बैंक स्टेटमेंट या पासबुक देना है यहाँ पर। इसके बाद सिग्नेचर देना है यहाँ पर। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र देने के बाद यहाँ पर सबमिट करने वाले आवेदन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए, लाइव फोटो आपको कैसे लेना है चलिए आपको दिखाता हूँ। लाइव फोटो के लिए यहाँ पर स्टार्ट कैमरा पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर अलाउ करने का ऑप्शन आएगा। तो इस तरह से आपको शो हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप, मैं यहाँ पर डेमो करके दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से करना है, ठीक है ना। तो आप अपने सर खुद से यहाँ पर कर लीजिएगा इस तरह से। मैं यहाँ पर क्लियर पूरा नहीं आ रहा है, आपको क्लियर पूरा फोटो आना चाहिए। तो इस तरह से आपको कर लेना है, पर क्लिक है, फोटो पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको क्लिक हो जाएगा इस तरह से फोटो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर डेमो करके आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से करना है, ठीक है। जब आपका अपलोड हो जाएगा ना, तो यहाँ पर इस तरह से शो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने अपने अनुसार साफ साफ से कीजिएगा यहाँ पर, ताकि चेहरा पहचान आए। तो यहाँ पर आप जैसे ही सबमिट करोगे ना, तो सबमिट करने के बाद एक आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा, उस रेफरेंस नंबर को नंबर मिलेगा, उस रिसिप्ट नंबर को रखे रहना है जब तक इसका नोटिफिकेशन अगला आएगा। तो किस तरह से सिलेक्शन होगा, किस तरह से क्या होगा, उसका मैं अगला नोटिफिकेशन लेकर आऊँगा। तो फिलहाल इसी तरह से ऑनलाइन आपको करना है, मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाया डेमो के रूप में किस तरह से करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से अपडेट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सभी लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा।